ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। महारानी की कुछ तस्वीरें देखी तो कमर बदायूनी का ये शेर याद आ गया। मौका था राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब जी की विदाई का। वसुंधरा जी के आवास पर कटारिया जी के साथ सभी पुराने नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उनकी विदाई की रस्म अदायगी हो रही थी। आसाम के राज्यपाल का पदभार संभालने से पहले मुबारकबाद देने वाला दस्तूर निभाया जा रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी तो गुलाब जी से जुदा होने की शिकन भी साफ दिख रही थी। गुलाब चंद कटारिया की विदाई के बहाने ही सही, सारे बीजेपी के नेता एकजुट तो हुए। खेमे और गुटों का आरोप झेल रही बीजेपी के लिए भला इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था, जब सारे नेता महारानी के आवास पर अपने पुराने साथी रहे कटारिया जी को विदाई देने एक साथ पहुंच गए। शायद यही सियासत की वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो कभी कभार ही नजर आती हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा के आवास पर सारे बीजेपी के नेता एक साथ थे, मिलने मिलाने का सिलसिला चल रहा था और ये सारे खुशनुमा पल तस्वीरों की शक्ल में कैमरे में कैद हो रहे थे। खुद महारानी के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। शायद ये खुशी इस बात की थी कि बीजेपी के जो पुराने साथी अब तक दूर दूर दिखते थे अब एक साथ हो चुके हैं। इस विदाई जलसे की अगुवाई खुद महारानी वसुंधरा राजे कर रही थी और बाकी के सारे नेता महारानी को उसी तरह से सम्मान दे रहे थे जैसे तब देते थे जब वो सीएम थी। महारानी भी अपने साथ इतने पुराने साथियों को एक साथ पाकर खुशी से गदगद हो रही थी। शायद महारानी को फिर से सीएम वाली फीलिंग आ रही होगी। एक दूसरे का मान सम्मान, स्नेह अभिवादन सब कुछ साफ दिख रहा था, जो कि शायद राजस्थान में आने वाले कल की आहट को भी बयां कर रहा था। इस बार भी सियासी मैदान में धुरंधर उतरेंगे। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों में मुकाबला होगा। किसकी सरकार आ जाए अभी से कह नहीं सकते, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बात को तो साफ कर दिया है कि महारानी तो महारानी है, फिर चाहे वो महल में हो या फिर सियासी मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।